संविधान बदलने के सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने विवादित बयान दिया। सर्वसम्मति से संविधान में बदलाव हो, ऐसा अरुण गोविल की तरफ से कहा गया। बदलाव प्रगति की निशानी है, अगर जरूरी होगा तो किया जाएगा। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी हैं अरुण गोविल और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि पहले हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और है। बदलाव प्रगति की निशानी है, अगर जरूरी होगा तो किया जाएगा। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। कहा कि 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अरुण गोविल ने संविधान बदलने के सवाल पर क्या कहा। संविधान में समय समय पर बदलाव होने चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। बदलाव प्रगति की निशानी होती है, पहले हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और हैं। सर्वसम्मति से संविधान में बदलाव होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। संविधान में बदलाव को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो अरुण गोविल ने ये तमाम बातें कही और कहा कि सर्वसम्मति से संविधान में बदलाव होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। और अरुण गोविल के बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। और अखिलेश यादव के साथ साथ लालू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। लालू यादव ने कहा कि जो भी संविधान की बात करेगा, उसे बदलने की बात करेगा, देश की जनता उसकी आंख निकाल लेगी। लालू ने कहा कि ये सब बीजेपी घबराहट में बोल रही है, ये तानाशाही लाना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा है कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये साजिश है और खत्म करके ये तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरुगुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी। इनका काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। संविधान में बदलाव को लेकर अरुण गोविल की तरफ से जो बयान दिया गया, उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई। लेकिन आपको अब हम ये भी दिखाते हैं कि इससे पहले कल फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह और राजस्थान में नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने संविधान बदलने को लेकर क्या कहा था। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार को 272 तो ही बन जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चीज। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको देखना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के नेताओं ने संविधान बदलने के सवाल पर ऐसा क्या बयान दिया जिससे ये विवाद खड़ा हुआ।
लल्लू सिंह बीजेपी सांसद है, संविधान बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें ज्योति मिर्धा की, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है नागौर से, उन्होंने भी ये इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। संविधान बदलने के लिए दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत है, यानी कि संविधान बदलने को लेकर बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं। अनंत हेगड़े बीजेपी सांसद हैं, संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। संविधान पर ये बयान लगातार बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से दिए गए हैं, जिनको लेकर अब सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है।